बोल बाम, बोल बाम। तो स्वागत है भाई आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एक नए गेटअप में हैं। तो एक्चुअली सावन माह स्टार्ट हो गई है और इस महीने में लगती है भाई श्रावणी मेला। तो हम लोग श्रावणी मेला जा रहे हैं जो कि सुल्तानगंज से देवघर की ओर जाती है। अभी फिलहाल हम हैं वारसलीगंज स्टेशन पे, ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ट्रेन आएगी उससे हम लोग को सुल्तानगंज जाना है और सुल्तानगंज से फिर जल लेकर हम लोग जाएंगे देवघर। यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है और जिस ट्रेन का हम लोग वेट कर रहे थे वो लगभग भाई 4 घंटे लेट है। वो अभी यहाँ से आ रही है और आप देख सकते हो अभी वारसलीगंज भाई ने पहुँचना था 137 में, बट ये पहुँच रहे भाई 549 में, है ना। ये अभी भाई ट्रेन आ रही है, बाकी आप लोगों का भीड़ देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं चढ़ने के लिए। ये देखो भाई, ये स्लीपर बोगी है भाई, इसके बावजूद भी देखो यार भीड़ कितनी है। सारे बोलबम की भाई भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। ये देखो भाई एसी बोगी का हाल अभी का डेट में क्या रहता है। ये देखो पानी पूरा यार भरा हुआ है, पानी बहुत। हम लोग यहाँ पे खड़ा हूँ बढ़िया से, सो फाइनली गाइस 6 घंटे की जर्नी हम लोग का समाप्त हुआ है और अभी जाकर हम लोग यहाँ से उतरे हैं भाई। ये देखो भाई ट्रेन था भाई पहुँचने का 5:41 में, लेकिन ट्रेन पहुँची है 10:07 में भाई। ये देखो बाकी आप भीड़ देखो यार सुल्तानगंज में। अभी हम लोग फाइनली सुल्तानगंज पहुँच गए हैं और अभी जाकर हम लोग कुछ स्टे के लिए देखेंगे और उसके बाद फिर सुबह में जल उठाकर हम लोग देवघर जाएंगे। बाकी आप अभी इस वीडियो में हम पूरा जो सुल्तानगंज मार्केट है वो सब पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बोल बम, ये देखो भाई कहाँ पे ये लोग सोए हुए हैं। ये देखो भाई बहुत लोग यहीं पर सो गए हैं, बहुत लोग भाई आगे चल कर धर्मशाला भी है तो बहुत लोग वहाँ पर भी जाकर सोते हैं। बाकी यहाँ स्टे के लिए आपको होटल वगैरह भी मिल जाएगा कम दामों में, तो वहाँ पर भी जाकर लोग रहते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखो भाई कुछ लोग यहाँ पर भी सोए हुए हैं। ये देखो यार स्टेशन से जस्ट बाहर निकले हैं, बाकी आप यहाँ पे देखो भाई बिकना स्टार्ट हो गया, सारे लोग मेला पूरा लगा हुआ है भाई। अभी हम लोग जस्ट स्टेशन का ही ये है स्टेशन, इसके बाद ये देखो भाई बाकी आप भीड़ देखो। अभी रात का 10 बज रहा है लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ देखो आप। और ये तो अभी मतलब अभी चौथा दिन है, मतलब सावन स्टार्ट हुए अभी चौथा दिन है और इस टाइम ही इतना भीड़ है, बाकी आगे तो अभी और भीड़ होने वाली है भाई। अभी देख लो भाई ये देखो साइड में कुछ सारे कुछ बिकने लग रहे हैं। ये देखो उस साइड में तो लाइट नहीं था इसलिए आपको नहीं पता चला कि वहाँ पे मार्केट किस तरीके से लगा हुआ है। बाकी इस साइड में देखो भाई लाइट है, पूरा आप मार्केट देख सकते हो कि किस प्रकार का मार्केट यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों साइड ही आप देख सकते हो भाई, ये देखो ये रहा भाई। यहाँ पे भाई आपको A to Z सामान मिल जाएगा, यदि आपको कांवर की आवश्यकता है वो भी मिल जाएगा, यदि आपने कपड़ा नहीं लिया सारा कुछ A to Z सामान आपको बोलबम से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा भाई आपको। ये देखो भाई यहाँ से भाई स्टार्ट हो रहा है गंगा घाट, सुल्तानगंज गंगा घाट। ये देखो भाई सभी लोग जल लेकर आ रहे हैं, बाकी आप सजावट देखो भाई क्या सुंदर इन्होंने सजा कर रखा है। ये देखो भाई अभी मैं आ गया हूँ गंगा घाट के नज़दीक और यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत सारे बम लोग आराम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे नहाएंगे, उसके बाद जल संकल्प करा लेने के बाद बोलबम के लिए हम लोग निकल जाएंगे देवघर के लिए। और आपको वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखता हुआ रहेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरे हरे शंभु 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 महादेव शंभु।